यूट्यूब के ऊपर। नमस्कार, मेरा सफरनामा के इस व्लॉग में मैं आज आपको विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके मुंबई के धारावी स्लम एरिया में लेकर आया हूं। जी हां, आप ये जो सफर कर रहे हैं ये फिलहाल मैं मुंबई के धारावी की गलियों में आपको घुमा रहा हूं। यहाँ पर लोगों के मकान कैसे हैं, कितने से छोटे मकान में ये 10 से 12 लोग रहते हैं और फिर इन्हीं गलियों से इनको आना जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इनके मकानों के सामने कोई चौड़ा सा रास्ता या सड़क नहीं है। ये हर गली में इतनी ही चौड़ी या इससे भी सकरी जिससे एक या दो आदमी बरोबर में निकल सकते हैं, इससे अधिक तो चौड़ी ये गलियां हैं नहीं, क्योंकि यहां पर 10 से 12 लाख लोग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ही रहते हैं। तो दोस्तों बने रहो इस वीडियो में, आज मैं आपको घुमाता हूँ धारावी की इन झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्ती में। जी हाँ, वैसे रात का समय है और रात को 7 से 8 बजे मैं इन गलियों में घूम रहा हूँ। हालांकि ओरिजिनल वीडियो की वॉइस स्पीकर प्रॉब्लम की वजह से नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जो भी घटनाक्रम है वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको ओवर वॉइस के रूप में बता रहा हूँ, तो सुनते जाइए। देखिए, यहाँ पर जब मैं इनसे मिल रहा हूँ तो धारावी के बारे में जानकारी ले रहा हूँ कि ये जो फेमस जो धारावी है, जिनका फिल्मों में चित्रांकन किया गया है, कई दृश्य दिखाए गए हैं, वो एरिया कहाँ पर पड़ता है, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जैसा आप जानते भी हैं, स्लम डॉग मिलेनियर जैसी मूवियों में धारावी का चित्रांकन किया गया है और इसके अलावा कई टीवी सीरियल और जो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें धारावी को बार बार दिखाया जाता है। इसकी वजह क्या है, आप जानते ही हैं, धारावी जो है इसके 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिए में 10 से 12 लाख लोग निवास करते हैं। धारावी में घूमते घूमते मैं इन बूढ़ी बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गया, जहां पर ये दो लड़कियां भी हैं जो युवा हैं, और इन लड़कियों से मैंने जानकारी जुटाई कि आप क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो दोनों ही लड़कियों ने बताया कि हम स्कूल छोड़ चुकी हैं और 7वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की सामने है ये 7वीं क्लास में पढ़ी हुई बोल रही है, तो दूसरी तरफ जो लड़की है उन्हें बताया कि मैं 9वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। अब ये दादी जी जो है, इनसे मैंने जानकारी ली कि धारावी जो है इसमें लोगों का जीवन कैसा है, कैसे रहते हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। तो एक तो बड़ी अच्छी जानकारी मुझे मिली, धारावी का जो साक्षरता अनुपात है वो लगभग 70% के लगभग है। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में भी रहते हुए धारावी का साक्षरता अनुपात बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और इसके अलावा जब मैं यहाँ से पूछ रहा था तो इन्होंने जानकारी दी, इनके घर में टॉयलेट की सुविधाएं नहीं हैं। सभी घरों में धारावी के जो 10 लाख लोग रहते हैं उनके
मुश्किल से 20-50 हजार लोगों के घर में ही आपको मिल जाए तो कोई टॉयलेट बाथरूम की सुविधा एक बड़ी बात नहीं है, अन्यथा सभी 9 लाख लोगों के घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं है तो इनको बाहर ही सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता है और उनके लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ते हैं। ये जो दुकान है ये यहाँ पर धारावी के अंदर हम जाते हैं तो इस रास्ते से हमें गुजरना पड़ता है जो मार्केट है, और मार्केट में ही ऐसी दुकानें लगी रहती हैं जहाँ पर अभी ये शूज का एक दुकान है और जिस पे ये बोल रहे हैं 500 रुपए के शूज यहाँ पर सेल लिख के रखा है दुकान पे, और लेदर शूज बता रहे हैं। निश्चित रूप से यहीं से मैं जानकारी लेकर आपको धारावी का ये ब्लॉग शूट करने और दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, धारावी की इन गलियों में आप देख रहे हैं ये बच्चे यहाँ पर बैठे थे बाहर, तो इनसे जानकारी ली। ये बच्चे भी जो हैं इनसे पूछने पर मुझे मालूम चला कि यहाँ पर ये इस छोटे से मकान में रहते हैं, तो इनके साथ ही इनके दादा दादी और मम्मी पापा भी रहते हैं, यानी कि सब परिवार के लोग एक ही घर में रहते हैं। और घर के अंदर देखा जाए तो एक ही कमरा है और एक छोटा सा किचन है। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ धारावी की इस मुख्य सड़क पर, और ये सड़क जो है आप देख रहे हैं ये सड़क धारावी के 90 फीट रोड है, और इस 90 फीट रोड पर लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं जा रहे हैं इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया में निश्चित रूप से ही 10 से 12 लाख लोग निवास करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है सभी जो है धारावी का मुख्य एरिया जो है ये कुर्ला और बांद्रा के बीच पड़ता है, जो स्लम एरिया फेमस है, जो एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है। यहाँ पर लोग मार्केट में भी बहुत आस्ते से आसानी से इनको चलना पड़ता है। भैया थोड़ी सी चूक हो गई तो आपका पैर या हाथ किसी दूसरे को लग जाएगा, और दूसरे को लगेगा तो निश्चित रूप से ही झगड़ा हो सकता है। ऐसे मार्केट में अगर धारावी में आप चल रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले तो इतनी भीड़ में चलना सीख लो।